वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने फाइलम ऑर्थोपोडा के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम फाइलम मोलस्का के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्थोपोडा जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है, और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है? मोलस्का। मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। तो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है? ऑर्थोपोडा। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? मोलस्का। दे आर जनरली एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। ज्यादातर कैसा होता है? पानी में सर्वाइव करता है, और टेरेस्ट्रियल जमीन पे भी सर्वाइव करता है। इसके पास किस टाइप का लेवल ऑफ फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसा होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, मीन्स इसके पास भी तीन जर्म लेयर प्रेजेंट होती। कौन कौन सी? एक हो गया इक्टोडर्म, और एक हो गया मीजोडर्म, और एक क्या हो गया इंडोडर्म। इक्टोडर्म इंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म, तो तीन जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। तो मोलस्का कैसे होते हैं? दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। द नेक्स्ट इज दे सो बायलेटरल सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब होता है जिनकी बॉडी हम दो आइडेंटिकल पार्ट में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते। तो मोलस्का की बॉडी को हम दो आइडेंटिकल पार्ट में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते। तो ये कैसे होते हैं? ये बायलेटरल सिमेट्रिकल शो करते हैं। स्नेल, मोलस्का में स्नेल और जो और भी मोलस्का होते हैं वो रेडुला का यूज करते हैं। क्या करने के लिए? फूड को ऑब्टेन करने के लिए। जैसे हमारे पास ये माउथ है, उस तरीके से उनके पास भी माउथ प्रेजेंट होगा। जहां पे उनका माउथ लोकेटेड होता है वहीं पे रेडुला लाइक जो है क्या प्रेजेंट होता है? ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं? फूड को ऑब्टेन करते हैं, फूड को कैप्चर करते। तो स्नेल के साथ साथ और भी जितने मोलस्का होते हैं वो रेडुला की हेल्प करते, रेडुला से क्या करते हैं? फूड को ऑब्टेन करते। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ये रेडुला क्या है? एक प्रकार का माउथ लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है? फूड को ऑब्टेन करने में हेल्प करता है। द नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड भी होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट एंड वेल डेवलप्ड। द नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन होता है। ओपन मीन्स जब इनका ब्लड फ्लो करता है वो हमें दिखाई देता है हमारी नेकेड आई से। तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन होता है। स्क्रीटरी ऑर्गन आर वन और टू पेयर ऑफ सैक लाइक किडनी। इसके पास स्क्रीटरी ऑर्गन या एक से ज्यादा सैक लाइक टू पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? वेस्ट मटेरियल को सिक्रीट करने में, बाहर निकालने में मदद करता है। अमोनिया, अमोनिया क्या होता है? स्क्रीटरी ऑर्गन है, स्क्रीटरी मटेरियल है, चीप स्क्रीटरी मटेरियल है। किसका? मोलस्का का। सबसे ज्यादा अमोनिया ही स्क्रीट करते। जैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अलग अलग नाइट्रोजिनस बेस्ट को रिलीज करते हैं। इस तरीके से अमोनिया कौन रिलीज करता है? मोलस्का। अमोनिया क्या रिलीज करते हैं? मोलस्का जो होता है वो अमोनिया रिलीज करता है, इसलिए अमोनिया इज द चीप स्क्रीटरी मटेरियल इन द मोलस्का। नेक्स्ट इज मोस्ट मोलस्का सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद सेपरेट सेक्सेस। ज्यादातर मोलस्का के अंदर किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इनके सेक्सेस कैसे होते हैं? मीन्स मेल और फीमेल दोनों अलग अलग इंडिविजुअल पे प्रेजेंट होगा। सेक्सेस आर सेपरेट। द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है पहले लार्वा का फॉर्मेशन होता है, फिर जो है किसी नए बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। द नेक्स्ट इज दे आर ओविविविपेरस। ओविविविपेरस का मतलब होता है जो एक भी प्रोड्यूस करे और बेबी। तो मोलस्का एक भी प्रोड्यूस करते और बेबी दोनों प्रोड्यूस करते, तो ये कैसे होते? ओविविविपेरस। द नेक्स्ट इज द मेंटल इज अ फोल्ड ऑफ स्केल दैट सराउंड द बॉडी ऑर्गन। मेंटल क्या होता है? जैसे स्नेल देखा होगा, उसकी बॉडी क्या होती है? एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर क्या करती? फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती, फोल्ड हो जाती है। तो उनकी स्किन क्या है? एक दूसरे के ऊपर फोल्ड है, तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को कहते हैं मेंटल। मेंटल एक्ट एज अ ग्लैंड। एक प्रकार से बोल सकते हैं कि मेंटल ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये क्या सिक्रीट करता है? बहुत सारे सब्सटेंस को सिक्रीट करता है। द बॉडी इज कवर्ड बाई अ कैल्सीरियस सेल। इनकी जो बॉडी होती है वो कैल्सीरियस सेल से कवर्ड रहती, मीन्स कैल्शियम से मिलकर बनी हुई होती है। इट इज अनसेगमेंटेड ओवर अस विजरल हम। जैसे स्नेल की बॉडी कुछ इस तरीके से होती है और ऊपर इस तरीके से हम भी निकले होते हैं। जैसे ऑक्टोपस की बॉडी पे इस तरीके से हम्प निकला हुआ होता है, वो क्या होता है? वो विजरल हम्प है। उसी हम्प के अंदर वो अपने वेस्ट मतलब अपने फूड को क्या करते हैं? स्टोर करके रखे रहते हैं।
द नेक्स्ट इज सेल्स इज सिक्रीटेड बाई मेंटल, इसी मेंटल से, ये जो मेंटल जो स्किन फोल्डिंग कवरिंग होती है उसे मेंटल बोलते हैं, इसी मेंटल से सेल्स ओरिजिनेट होते हैं। मेंटल इज अ सॉफ्ट, कैसा होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और स्पॉन्जी लेयर होता है ऑफ द स्किन की विच कवर द विसरल हम्प। मेंटल क्या है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ द स्किन, स्किन की स्पॉन्जी और सॉफ्ट लेयर होती है जो किसको कवर करती है, विसरल हम्प को कवर करती है। द मेंटल इंक्लोजेस अ कैविटी इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। मेंटल जो जहां पे मेंटल प्रेजेंट होता वहां पे इस तरीके से कुछ कैविटी मींस ओपन स्ट्रक्चर कैसा होता, ओपन होता है, कैविटी प्रेजेंट होती, जगह प्रेजेंट होती, स्पेस प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं मेंटल कैविटी। अब एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं मोलुस्का के, पाइला, सेपिया एंड ऑक्टोपस, ये सब क्या, सेपिया है, ऑक्टोपस है। और मोलुस्का क्या होता है, मोलुस्का जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, और ऑर्थोपोडा क्या है, ये फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है। हमने इस पूरे लेक्चर में मोलुस्का के बारे में डिस्कस किया, उसके कौन कौन से स्पेशल फीचर होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में हम आगे के फाइलम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।